हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए फिर से आ चुका हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो बैक वीडियो में बताया था कि एक मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन लेकर आने वाला हूँ, व्हाट्सअप की। तो आज उसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जी वी व्हाट्सअप नाम से उसकी एप्लीकेशन है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसके यूजेज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको लॉगिन करेंगे हम। इसका इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज है उस वाले व्हाट्सएप से, इसका चेंज है। आई एग्री करते हैं। मैं अपना यहाँ पे नंबर टाइप कर लेता हूँ। OTP डाल दें अपने यहाँ पे। OTP डालना है गाइस। बहुत सारी इसमें नई नई चीज़ें दिखने को मिलेगी आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ तो दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस ये मेरा वेरिफिकेशन हो रही थी, वेरिफिकेशन हो चुकी है। कॉन्टैक्ट अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, स्किप करते हैं इसको। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग, बहुत चीज़ें। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा यार, काफ़ी लोग होते हैं कि मैसेज सेंड करके डिलीट कर देते हैं, और स्टेटस डालने के बाद डिलीट कर देते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें भी हैं। और किसी से आप अपनी वीडियोस हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे, मतलब चैट्स हाइड करना चाहते हैं, चैट साइट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और ये एक्चुअली मेरे पता नहीं किस किस के मैसेज आए हुए हैं, वो लोड हो रहे हैं। ये देखिए ग्रुप पता नहीं कितने बना रखे हैं यार गाइस। छोड़ो पॉइंट पे आते हैं। तो ये आपको ये जो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो है इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये जो है एयरप्लेन मोड ऑन, मतलब इसमें ये सिर्फ व्हाट्सअप का एयरप्लेन मोड है। यहाँ से आपके ये ऑन करने के बाद आपके मैसेज नहीं आएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे आप, ठीक है। और इसी में आपको इसके पास में आपका डार्क मोड थीम मिल जाते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, प्रोसेस कैच नहीं कर पा रहा, देखते हैं। चलो हो गया। तो ये आपका डार्क मोड में आ चुका है। मेरे को तो डार्क मोड में ही रखता हूँ मैं हर चीज़, जिससे कि आंखों पे रिफ्लेक्शन ना पड़े ज़्यादा। ये जो व्हाट्सअप लिखा हुआ है ना, जहाँ पे व्हाट्सअप लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका चूज़ आ लॉक पैटर्न पिन फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे आप अपना पास मतलब चैट हाइड करने के लिए, उसके लिए आप पैटर्न डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट से अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप फिंगरप्रिंट आ जाएगा। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद अपनी जो हाइड चैट्स हैं ना वो निकल जाएंगी। इसमें हाइड चैट्स हैं और मैसेजिंग है, मैसेज सेंड करके यहाँ से डिलीट नहीं होगा, वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देखना ज़रूर। मैसेज वाला, स्टेटस वाला कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, और इसकी सेटिंग्स में आपको कुछ दिखा देता हूँ। मेन सेटिंग्स में जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जा सकते हैं आप। यहाँ से ये जो पहला फ्रीज लास्ट सीन, ये जो ऑप्शन है आपका, जो लास्ट सीन होगा ना आपका, वो ऑन कर देगा, मतलब वही रहेगा। आप ऑनलाइन होके भी बात कर सकते हैं, पर लोगों को ये देखेगा कि इस टाइम तक ही ऑनलाइन था, बट आप ऑनलाइन होके भी बात कर सकते हैं किसी से भी। बहुत यूज़फुल ऐप है। और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे एंटी डिलीटेड मैसेज, ये वो वाला मैसेज का ऑप्शन है। इसको ऑन करने के बाद जो मैसेज डिलीट हो जाएंगे वो भी आपके पास सेव रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास, सो ब्लू टिक आफ्टर रिप्लाई, ये जो ऑप्शन है
जब हम उनके मैसेज आएंगे हमें, हम उनको सीन कर लेंगे इसको ऑन करने के बाद, बट उनके पास ब्लूटेक नहीं जाएगा। ब्लूटेक जब जाएगा जब हम उनका रिप्लाई देंगे, जब हमने उनका रिप्लाई दे दिया जब ही उनके पास ब्लूटेक पहुँच जाएगा। आप यहाँ से व्हाट्सएप का अपना पर्सनली लॉक डाल सकते हैं। वो पुराने वाले जो ओरिजिनल व्हाट्सएप में होता था, वो होता था कि सिर्फ उसमें फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं, यहाँ से पैटर्न, फिंगरप्रिंट, लॉक, सारी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलता है बैक सेटिंग्स में, प्राइवेट सेटिंग्स में, जीबी व्हाट्सएप की जो सेटिंग्स है उसमें जाने के बाद आप फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, थीम्स का आता है। थीम्स में आप डाउनलोड थीम्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपके फ़ोन के हिसाब से कौन सी अच्छी लगती है देख के अपने फ़ोन के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल का ऑप्शन ये आता है, नॉर्मली आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर दें, ओके करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है, अपने आप ही लोड हो जाएगा। देखिए अभी पहले बैक टाइम पैक में चेंज था, अब चेंज है। जी वी व्हाट्सएप की ऐसी बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, सीक्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता होगी। ऐसी चीज़ों को जानने के लिए मेरे को कमेंट करें, और टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस व्हाट्सएप के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। तो जी वी व्हाट्सएप डाउनलोड कैसे करना है? तो जी वी व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए सिंपली गाइज आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च करना है जी वी व्हाट्सएप या फिर जी वी व्हाट्सएप APK डाउनलोडर। तो आपको सेकेंड या थर्ड ऑप्शन पे, फर्स्ट वाले पे तो नहीं जाऊंगा मैं फिलहाल, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद ये लोड हो रहा है। ये लास्ट में आपको दिखाएगा ऑप्शन डाउनलोड जी बी व्हाट्सएप v16.80.0 APK। क्लिक, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे आपका बाहर आएगा तो ये इंस्टॉलिंग चल रही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस इंस्टॉल होने में। अभी आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपका जो इंटरफेस है ये डाउनलोड होने लग रहा है। डाउनलोड हो चुका। तो अब इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करते हैं तो इंस्टॉलिंग ओपन होते हैं। इंस्टॉलिंग के बाद इंस्टॉल, अभी इंस्टॉलिंग चल रही है।